गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। सो गाइज आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। टुडे इज 25th अक्टूबर एंड यस मैं फोकस में नहीं आ रही थी। सो गाइज टुडे इज 25th अक्टूबर एंड मेरा रूम पूरा मैस हो रखा है बिकॉज कल है मेरे भाई का बर्थडे एंड सेकेंड एक्साइटमेंट मेरी जो है वो है मेरे भाई की इंगेजमेंट। दो दो एक्साइटमेंट है, मतलब एक सेम दिन उसकी इंगेजमेंट है, सेम ही दिन उसका बर्थडे है, लाइक बर्थडे वाले दिन इंगेजमेंट है। तो यहाँ पर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपने रूम का मैस, सबकी क्या तैयारियाँ चल रही है। एंड लाइक आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, रात के 9 बज रहे हैं। अभी मैंने व्लॉग आप सबके साथ वीडियो शेयर की है कि राउंड में देख सकते हैं कि मैंने अपनी भाभी के लिए जो जो चीज़ें मंगाई थी। सो आई थॉट कि यार मैं आप सबके साथ शेयर करूँ ताकि आप सबकी हेल्प हो जाए, क्योंकि मुझे इतने सारे कॉमेंट्स आते हैं कि दी आपने क्या लिया, आपने क्या लिया। मेरी जो इंगेजमेंट वाली वीडियो थी उसमें इतने सारे अच्छे कॉमेंट्स आए थे, तो मुझे लगा कि गाइज मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए बिकॉज जो आपकी एक्साइटमेंट थी वो बहुत ही अच्छी थी। एंड उसके चलते मैं आप सबके साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ पूरा, और वो वीडियोस भी आप सबके साथ इसीलिए शेयर कर रही थी। एंड बाय द वे हम सुपर डुपर एक्साइटेड गाइज। मैंने ये जो बैकग्राउंड है ये मैंने चांदनी चौक से लिया है। यस मेरा रूम पूरा मैस है, मैं बैकग्राउंड कैमरा से आपको दिखाती हूँ। सी कपड़े गिरे हुए हैं यहाँ पे, और सी पूरा बेड मैस है। यहाँ पे मुझे ट्रॉली बैग पूरा रेडी करना है। एंड यस यहाँ पर जो ट्रॉली बैग है मैंने सेम अपनी जैसा मेरा वाला है ना, मैं अपना भी दिखाती हूँ क्योंकि कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि ये तो आपके वाला ही इंगेजमेंट वाला है। तो गाइज ये देखिए ये मेरी भाभी का ट्रॉली बैग है। एंड इसके बाद जो मेरा जो मेरा ट्रॉली बैग है वो यहाँ पे है। तो यस मैंने उनके लिए भी सेम ही ट्रॉली बैग मंगाया है जो कि कुछ इस तरीके से है। एंड इसके बाद मुझे थाली रेडी करनी है। ये रेड कलर की माता की चुन्नी मैंने मंगाई है गाइस। ये मेरी भाभी का लहंगा साइड में रखा हुआ है। एंड इस तरीके से ये लटकन वगैरह मैंने उनके लहंगे पे लगाई है अभी, क्योंकि टेलर ने ढंग से काम करके नहीं दिया था। भाई को शॉपिंग करा के लाई हूँ ज़ारा से, और हमने लाइफस्टाइल से खूब सारी शॉपिंग की है, जिसमें हमें ये ब्यूटीफुल सा गिफ्ट भी मिला है जो कि मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है, और मैं उसका केक ले आई हूँ। केक मैंने रेडी कर लिया है, रात में 12 बजे हम काटने वाले हैं केक। एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। तो चलिए जैसा होता है आप सबके साथ ब्लॉग के थ्रू शेयर करती रहूंगी। आप सबको भी बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही होगी, आई नो दैट, आई सीरियसली नो दैट कि आपको भी वीडियो देख के मज़ा आ रहा होगा। और एक और मैंने दिखाती हूँ आपको। वाओ गाइस लुक एट द लाइटनिंग, यहाँ पे लाइटनिंग कितनी सुंदर आ रही है बिकॉज पीछे पूरी लाइट चल रही है। एंड दिस इज़ दी नेक्स्ट बैकग्राउंड जो कि फर वाला है। एंड अगेन मैं इसका ना जैकेट वगैरह कुछ बनवाने की सोच रही हूँ बिकॉज आई लव दिस कलर, सीरियसली गाइज आई लव दिस कलर। सो लेट्स सी, मैं टेलर से पूछ के आऊँगी कि इसका कुछ बनाए। आप सबके साथ इसके अलग से वीडियो शेयर करूँगी, एक्साइटेड हो तो कॉमेंट्स करके बता देना, शेयर कर दूँगी। तो चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ। बाई अभी मैं पैकिंग करने में लगी हुई हूँ, और एक सेकेंड लाइटनिंग की यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो चलिए मैं बैक कैमरा से आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ यहाँ पर, और मुझे थोड़ा सा स्किन केयर भी करना है, लाइक ब्लीच वगैरह फेशियल वगैरह भी मैं करना चाहती हूँ। तो मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखा देती हूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ बेसिकली ये दिखा रही हूँ। यहाँ पर उनकी जो ब्राइडल किट है वो पूरी रेडी है। देन इसके बाद यहाँ पर ये उनके बैंगल्स हैं। एंड अभी ये जो उनका सूट है लाइक ये मुझे अच्छे से रखना है। हेयर इज हर रेड कलर की चूड़ियाँ। देन इसके बाद इस पर उनके भाई के कपड़े हैं, वो मैंने आपसे शेयर नहीं किए हैं, उल्टा दिखा रही थी। सो इसमें है उनके एक भाई की अभी आने बाकी है। तो इसके बाद हेयर इज़ हर नेकलेस जो कि मैं सारा सामान एक साइड करके रख रही हूँ ताकि मैं कुछ भी मैस ना करूँ। हेयर इज़ हर सैंडल्स और दैट्स इट गाइज। तो रूम पूरा मैस है। सो मैं आपसे मिलती हूँ, बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ ताकि सुबह हेयर वॉश करूँ तो मेरे बालों की हालत थोड़ी सी ढंग की हो जाए। और मेरे फेस पे ना आजकल पिंपल्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ बैड रूटीन। मैंने नवरात्रि के फास्ट रखे हैं, इस टाइम मैं ब्लॉगिंग तक नहीं कर पाई गाइज। मेरी बहुत ही गंदे वाली हालत हो रही है, सी मैं आपको दिखा नहीं सकती, फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रखे हैं। और मेरे भाई की जो भी शॉपिंग की है और जो मैंने अपने भाई के लिए शॉपिंग की है वो वेरी वेरी सून मैं शेयर करूंगी, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू शूट वो वाला वीडियो, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे सैंडल्स रखे हुए हैं, वो भी मेरे आज ही डिलीवर हुए हैं। और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको अपनी मम्मा का भी ड्रेस दिखाती हूँ जो कि वो अपनी करवा चौथ पे भी पहनने वाली है, और दिखाती हूँ आपको। तो हेयर इज हर बैंगल्स, ये मेरी मम्मा के बैंगल्स हैं। एंड आई डोंट नो फोकस क्यों नहीं ले रहा। तो ये हैं उनके बैंगल्स, हो रहा है फोकस गाइज, फोकस प्लीज़, हो गया गाइस। तो ये उनके बैंगल्स हैं मम्मा के। एंड इसके बाद मेरी मम्मा का दुपट्टा भी मैंने यहाँ पे रखा था एंड आई थिंक कहाँ गया पता नहीं, सब मैस हो रखा है मेरे घर में। तो मैं ढूंढती हूँ और क्या करती हूँ।
तो गाइस, जैसे कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही थी, ये है मेरी मम्मा का ब्यूटीफुल सा सूट जो कि मैंने अपने लिए लिया था, लेकिन मैंने अपनी मम्मा को दे दिया बिकॉज मुझे कलर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो आई थॉट कि मुझे उनको दे देना चाहिए। तो सेम ये जो सूट है ये मेरी मम्मा यू नो अपने करवा चौथ पे भी वेयर करेगी बिकॉज करवा चौथ आने ही वाला है। और सी अब मैंने टॉप चेंज कर लिया है, मैं स्किन यू नो फेस वॉश वगैरह करने के बाद आपसे मिलती हूँ बिकॉज अभी बात करूँगी तो हो जाएगा सब कुछ टन टना टन। और सी मुझे अपर लिप्स भी करने हैं, मेरी थ्रेडिंग नहीं हो पाई है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, स्टिल मैं बाहर गई हुई थी, मैं वो व्लॉग भी आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो चलिए मैं बाद में मिलती हूँ। सो गाइस, सी मैंने अभी फेस पे मास्क लगाया है जो कि है वाओ का विटामिन सी मास्क, और इसके बाद मैं फेस ब्लीच करने वाली हूँ। तो मैंने किया था अपर लिप्स, इसके बाद मेरा स्किन यू नो बहुत ज़्यादा ये मान लो रेड हो जाता है, तो उसको रेडनेस को हटाने के लिए मैं ये मास्क यूज़ करती हूँ एंड आई लव दिस मास्क। लाइटनिंग आपको थोड़ी सी कम नज़र आ रही होगी। तो इसके बाद मैं फेस वॉश करने के बाद आपको ग्लो दिखा दूँगी मेरे फेस पर कितना ग्लो आया है। गाइस, वी आर एक्साइटेड, और मैं अभी कर रही थी अपना एडिटिंग का काम, और ना अभी 12 बज चुके हैं और मेरे घर में से आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी कैसी। तो मैं अभी आई हूँ किचन कर ली थी, मैंने प्लेट निकाल ली है एंड यस आई एम एक्साइटेड। मतलब मैंने ना फेशियल किया है ना कुछ किया है, स्टिल कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये देखिए, एक हाथ से मैं परेशानी कर रही हूँ, और अब मैं आई हूँ बैक कैमरा पे, पहले फ्रिज शो कर देती हूँ बंद। मम्मी, तो मैंने जो केक है ये हनी एंड डो से लिया है गाइस, ये मुझे अच्छा लगता है यहाँ का, मतलब पेस्ट्रीज वगैरह। तो ये मैंने केक लिया है अपने भाई के लिए, छोटू सा क्यूटू सा। Now guys, cake is ready and see we are going. Happy birthday Vinay! आजा बाहर आजा। Hello, Vinay, बाहर आजा। तुम भी आजा सारे। पर है जल्दी। चक्कू किता? नहीं। Happy birthday. फोन किसका है? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चल आज बाहर काटेंगे। सारे तोरा होगा ना, चलो आ जाओ सारे बाल, वो तो होगा ना तुम्हारे पास ना। वो काटन वो फूक मारे कर है। हाँ, अरे वो माचिस ये कौन है? कौन से रोड अच्छा लग रहा है तेरा के गया ना कुछ से? अरे अरे अरे, तो सकल भी कौन है कहता है। चल यही करते हैं, लाइट ऑन करियो। कुछ हमने डेकोरेशन भी ना करी वरना अच्छा लगता है। हाँ जो सारे बैठ जो, हाय करे, हाय कर ऐसे। आ जाओ वो और ले आओ, ले आओ। अरे हाँ, मैं वो भी कर दूंगा। मेरा मोबाइल कहाँ है? ओए मेरा मोबाइल लिया तो उनके भाज गया है, फोटो डाल दूंगी। अरे मेरे में तो उल्टा हो गया, अच्छा लग रहा है केक तेरा। तो ठीक है ना, पूरा होना चाहिए। हाय कर। सलाद बढ़िया मां क्यों? इन्हें तो खाने भी बचाड़े। मैंने यहां आता कि फोटो अच्छे आवे, कुंड में बैठ। यहां बैठ ताकि फोटो अच्छे आवे। हां ये अच्छा है। वहां मम्मी किधर गई? खोल के दिखाओ सब, देख सब सस्पेंस आगे। रोड इस ना तो इशू ते फुर्सत ना है। खोलो कॉकरेज जी से पालक है।
देखा लॉकेट खेल दिया ना पितल की मैं पहन के जाने वाला हूँ इसको। सच्ची? अरे सच्ची मैं चलो हमारी फूक तेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ले कहाँ से मैं चम्मच? हर जल्दी कर, इतना बढ़िया केक है। रुक जाए, छोटी सी क्लिप और डाल दो। रोड हाय बोल, छोटे रोड हाय बोल, मोंटी हाय बोल, तू भी बोल दे बाय।